हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग के पांचवें भाग तक कंप्लीट कर दिया था। अभी मैं छठा भाग स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को पास, उसी को आने दो। विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सरचाप उठाकर कुछ करतब दिखलाता हूँ, जब जब मैं सरचाप उठाकर करतब कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो अय वत्स, तीर तुमने कैसा यह मारा है। दक उठावन उधर इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं शंकित था ब्रह्मवीरता मेरे साथ मरेगी क्या। परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल। तुम अवश्य ढोओगे उसको, मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे। एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडलधारी। तप कर सकते और पिता माता कितने किसके इतना भारी। तप कर सकते और पिता माता किसके इतना भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार, सुन प्राण कांपने लगते हैं। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार, सुन प्राण कांपने लगते हैं। मन उठता धिक्कार हृदय में, भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता। पी सारा अपमान द्रोड़ के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पाँव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते हुए। एक लव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते हुए। एक लव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते हुए। तो इस तरह से ये भाग भी कंप्लीट हो गया। अगला भाग अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।